आज के पाठ में हम लोग भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले शेष बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आज जिन बिंदुओं का अध्ययन हम लोग करेंगे उसमें जेठ धाराओं का प्रभाव, दक्षिणी दोलन का प्रभाव, एलनीनो का प्रभाव महत्वपूर्ण है। भैया बहन, जेठ धाराओं के प्रभाव के विषय में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि क्षोभ मंडल में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली हवा है। इसकी गति काफ़ी तीव्र होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत में ये जेठ धारा ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती है, जबकि शीत ऋतु में यह हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ये जेठ धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसीलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा कहा जाता है। इस जेठ धारा के कारण देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, अर्थात शीत ऋतु में उत्तर और उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। एक दूसरी जेठ धारा, पूर्वी जेठ धारा, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होता है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है। इस जेठ धारा के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर में आते हैं। तो इस प्रकार जेठ धाराएं भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। एक दूसरी बात जो है वो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है वह है दक्षिणी दोलन। दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, लेकिन 2 से 5 वर्षों पर यह स्थिति कभी कभी बदल जाती है तथा प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब बन जाता है। दाब की अवस्था में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है और इस प्रभाव के कारण भारत में मानसून का विलंब से आना संभव होता है। जिस वर्ष यह दक्षिणी दोलन का प्रभाव पड़ता है उस वर्ष भारत में मानसून के आने में विलंब होता है, औसत से कम वर्षा होती है, अर्थात मानसून के भविष्यवाणी में दक्षिणी दोलन का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक प्रमुख लक्षण एलनीनो है। एलनीनो क्या है कि यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। अमूमन पेरू तट पर ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर कभी कभी वहाँ गर्म जलधारा विकसित हो जाती है। गर्म जलधारा विकसित होने के कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में दाब की स्थिति बदल जाती है और वहाँ
निम्न दाब बन जाता है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलनिनो से है, इसीलिए इस परिघटना को एनसो यानी एलनिनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। तो भारतीय मानसून के प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे उनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आज के बाद हम लोग भारत में ऋतुओं का वर्णन पढ़ेंगे या ऋतुओं का अध्ययन करेंगे। आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा एलनिनो क्या है समझाएं, एलनिनो क्या है समझाएं। धन्यवाद।